तेरे बिना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, लूफी स्टेटस वीडियो एडिटिंग है जो कि टिकटॉक पे काफ़ी वायरल है और ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप भी इस तरीके की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको मैं कैप कार्ड के अंदर सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली ऐसी आनी वीडियो ऐसी आनी अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। सो गाइस, आपका टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से कैप कार्ड को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से आपने अपनी पिक को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम किसी भी पिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस, सबसे पहले तो आपने नीचे आना, फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने टिकटॉक वाली जो सेटिंग है इसको सिलेक्ट करना है, रेशो को, ठीक है, और कुछ इस तरीके से जूम इन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने क्या करना है, आपने एंड पे आना है, ये जो कैप कट का लोगो है आपने इसको डिलीट कर देना। उसके बाद आपने जो जितनी भी वीडियो बनानी है उसके हिसाब से इसकी लेंथ को बड़ा कर लेना है, साइज़ को, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने बैक आना, बैक आने के बाद एक इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। बेसिक पे क्लिक करना है, यहाँ पर ब्लर को आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने इसको जो है 10 रख लेना है, ठीक है, 10 कर लेना, ठीक है। उसके बाद टिक के साइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी फाइल को आपने सिंपली गाइस जो है फोल्ड कर लेना है अपनी वीडियो के साइज़ के बराबर, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने क्या करना, आपने बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, ऐड ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। तो भाई, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये एक जो है वीडियो टेम्पलेट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ईजिली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मैं मटेरियल यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो गाइज, कुछ इस तरीके से आपने इसको जूम इन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर आपने इसको सेट करना हो सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। कुछ इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। सेट करने के बाद गाइस, आपने क्या करना है, आपने सिंपली गाइस यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं गाइस। कुछ इस तरीके से आपने भी इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद गाइस, आपने जो है बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद गाइस, बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस, आपने सिंपली जो है फिर जो है इसको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसी वीडियो फोटोज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इसके साइज़ को आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एंड पे जो लोगो आ रहा है इसको आपने सेम उसी तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपने नीचे फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने टिकटॉक वाली रेशो को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से आपने इसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस, आपने ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, ठीक है। और जो कि वीडियो आपने एक्सपोर्ट की है आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इसको फुल स्क्रीन करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी लगे, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने नीचे इन्हीं ऑप्शन में आगे आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ये जो सर्कल है ना आपने इसको बिलियो करना है। और उसके बाद इंटेंसिटी जो है इस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन करना है। टिक के साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस, आपने ये फर्स्ट जो पिक आपने ऐड की थी ना आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप गाइस कुछ इस तरीके से इसको जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको कुछ इस तरीके से सेट करना है जहाँ पर भी आप इसको सेट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। सेट करने के बाद गाइस, आपने जो है यहाँ से जो है इसके जो साइज़ है उसको आपने अपनी फ़ोटोज़ के अलावा जो है इसको आपने कम कर देना, जो कि आपने फर्स्ट वीडियो जो है एक्सपोर्ट की थी उसके साइज़ के बराबर कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली जो है ना गाइस, यहाँ से आपने बैक आना है और यहाँ पर आपने जो है ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो लिरिक्स है ना इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, हम इसको जो है यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गाइस कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको जो है सप्लाइज़ का ऑप्शन मिलेगा, भाई आपने इस पर क्लिक करके फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। और गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इसको जूम इन करके यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, कुछ इस तरीके से हम इसको प्ले करेंगे तो गाइस आपकी वीडियो जो है क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट हो जाएगी और आपको नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपने सिंपली इसको जो है यहाँ पर सेपरेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो आपने भी कुछ इस तरीके से सेपरेट करके डिलीट करना है। और उसके बाद जो है गाइस, यहाँ से आप इसको सिंपली जो है यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से आपने अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो थी यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।